आगरा से बड़ी खबर है। जगनेर नगर पंचायत में हंगामा यहां पर हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प की जानकारी है। हंगामे के बाद पुलिस ने लाठियां यहां पर भांजी है। निर्दलीय प्रत्याशी पर वोटरों पर दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार यहां पर किया। आगरा के जगनेर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए यहां पर मतदान हो रहा है और वहीं से हंगामे की बड़ी खबर। और ये कहा जा रहा है कि हंगामे के बाद पुलिस ने लाठियां यहां पर भांजी। निर्दलीय प्रत्याशी और साथ में भाजपा प्रत्याशियों के बीच में नोकझोंक यहां पर हो गई। काफी देर तक हंगामा यहां पर होता रहा। जगनेर नगर पंचायत में हंगामा एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी आपस में उनके समर्थक भिड़ गए। हंगामे के बाद पुलिस यहां पर पहुंची, लाठियां भांजी गई, लाठियां बरसाई गई, ये कहा जा रहा है। और चलिए अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है आगरा में। हमारे सहयोगी नितिन का रुख करेंगे। नितिन, जरा बताएं कि आगरा को लेकर के कैसी रिपोर्ट आ रही है, जहां मौजूद है वहां की क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल देखिए, ये राजस्थान बॉर्डर से लगता हुआ जगनेर कस्बा है और वहाँ से ये खबर आ रही है कि वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कुलदीप गर्ग, जो उनके भाई प्रदीप गर्ग वहाँ निर्दलीय नगर पंचायत चेयरमैन रह चुके हैं और उन पर ये आरोप लगा है कि वो अपने पक्ष में जो मतदाता हैं उनको वोट कराने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके समर्थक लक्ष्मी अग्रवाल की तरफ से की गई। और इसी बीच झड़प होती है, झड़प के बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है, दो जो उनके समर्थक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है और कुल मिला के जो अधिकारियों से बात हुई है उसके मुताबिक पूरी जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। जो हुआ है वो आपके पीछे ही हुआ होगा, वहीं पर मौजूद है आप? नहीं, देखिए, मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ। आगरा से बिल्कुल करीब 60 किलोमीटर दूर जगनेर जो नगर पंचायत है आगरा जिले की, मैं वहाँ की ये खबर बता रहा हूँ। और वहाँ जगनेर में ये हल्का बल प्रयोग हुआ है, वहाँ लाठीचार्ज हुआ है और जो आरोप लगा है वो निर्दलीय प्रत्याशी। जी बिल्कुल, इस समय जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, पुलिस ने लाठीचार्ज करके जो बिल्कुल पोलिंग सेंटर के पास जो समर्थकों का हुजूम इकट्ठा था निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में, उनको खदेड़ दिया है, हल्का बल प्रयोग किया है, दो लोगों को हिरासत में भी लिया है और बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। और जो इस समय वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो वहाँ पर अब वोटिंग बहाल है, लोग वोट कास्ट करना फिर से शुरू कर चुके हैं, लेकिन टिकट नहीं मिली थी। जी जी, अब जहां आप मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाएं, हालात बताएं। देखिए बिल्कुल, और अगर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये बैनी सिंह इंटर कॉलेज है वार्ड 41 का, और देखिए इस समय लगातार वोटिंग चल रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, तमाम जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है। लोग वोट करने निकल रहे हैं, देखिए आधी आबादी खासकर जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में वोट करने निकल रही हैं। और आप बातचीत करते रहिए, हमारे और भी सहयोगी ग्राउंड पर हैं जो कि तमाम अपडेट है उनके पास और तस्वीरें भी हैं। अविनाश हमारे सहयोगी हैं और इसके साथ शैलेश भी लगातार गोरखपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं, उनके पास कहां से तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके की जानकारी है, अविनाश जरा साझा करें दर्शकों से। देखिए इसने लगता, अगर बात करूँ तो मैं सुन तो मथुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर बात करें तो लगातार निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और लगभग 40.3% मतदान हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग उत्साहित है, क्योंकि लोकतंत्र एक उत्साह का पर्व होता है और यहाँ पे लोग किस तरीके से उत्साहित अपनी अपनी जो मत पर्चियाँ हैं वो लोग निकली हैं। गोवर्धन नगर पंचायत यहाँ की सबसे बड़ी नगर पंचायत है, उसके बीजेपी उम्मीदवार मेरे साथ है श्याम सुंदर उपाध्याय जी। किस तरीके से आपके पक्ष में यहाँ पे माहौल दिख रहा है, क्या कुछ है यहाँ पे उम्मीद है आपको? हर घर भगवा छा रहा है और भाजपा ही भाजपा, केवल और केवल कमल खिल रहा है। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी कार्यों को लेकर के? हमारी प्राथमिकता है पहली शुद्ध मीठे पीने का पानी, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी सफाई और तीसरी यहाँ जो अपनी तीर्थ कुंड है मानसी गंगा, वो पूरी तरह से स्वच्छ हो, और ये हमारी प्राथमिकता है। आप लोग वोट डालने हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के वोट डालते? नहीं, सही मुद्दे हैं, कोई बात नहीं, अच्छे मुद्दे हैं, कमल का फूल खिलेगा। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के वोट डालते हैं जी? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के वोट डालते हैं? बिजली पानी सड़क हरंजा, उम्मीदें पूरी होगी? वो निश्चित होंगी, हम ऐसा तक बना के भेजेंगे कि जो उम्मीद को पूरा करें। आप लोग वोट डालने आए हैं तो क्या सोच के आ रहे हैं वोट डालने? बिजली पानी और सफाई के बारे में, सफाई होनी चाहिए सातों कोस में। सफाई है आपके क्षेत्र में? नहीं है, नहीं है, नाली भी सफा नहीं होती है। उम्मीदवार आते हैं तो उनसे आप लोग ये बात कहते हैं? हाँ, क्यों कहते हैं, ये नाली साफ करवा देंगे, ये
गड्ढा मुक्त करा देंगे, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे किस तरीके से लोग उत्साहित और नजर आ रहे हैं, आप लोग महिलाएं हैं, बताइए आप लोग क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं? पानी के लिए, पानी यहाँ पे पानी की समस्या है। आप इन लोगों से बातचीत करते रहे, तभी अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से वहाँ की जनता सोच रही है। वोटिंग यानी जो फ्लोटिंग वोटर्स भी होते हैं यहाँ एकदम मुहाने पर खड़े होकर क्या सोचते हैं, जानने का मौका मिला है। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।